दिस इज अंशली और इस वीडियो में हम करेंगे बचे हुए आउटपुट क्वेश्चंस फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 दैट इज रिवीजन टूर 1 फ्रॉम सुमिता अरोड़ा. सो एज यू नो कि ये पूरी सीरीज जो है इसमें हम बुक का चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे 12th कंप्यूटर साइंस का एंड आफ्टर दैट वील बी सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम सो दैट वी मेक श्योर दैट यू डोंट गेट एनी सिंगल मार्क कट इन योर बोर्ड एग्जाम राइट. सो आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है तो जो यहाँ पर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको भी साथ साथ सॉल्व करने हैं क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे देन आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी आउटपुट क्वेश्चंस में और आउटपुट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वेटेज के आते हैं मार्क्स एग्जाम में. सो लेट्स डू बाकी जो बचे हुए 3 क्वेश्चंस थे वो हम अब करते हैं. उससे पहले वाले क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं ठीक है. सो अभी जो क्वेश्चंस हमें करने हैं वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5. सो यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 एंड 3 मैं आपको अभी दिखाती हूँ एंड देन वी विल बी सॉल्विंग इट. सो जस्ट लेट मी रोटेट इट एंड मेक इट बिगर ओके. सो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है. इसमें क्या लिखा है फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड. अब इसमें लिस्ट ली हुई है सीधे ही फॉर नेम के साथ. ऐसा नहीं है कि लिस्ट पहले से किसी वेरिएबल में डाली है. यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया फॉर नेम इन और फिर यहाँ पर लिस्ट आ गई जेज राम्या तरुणा सूरज एंड देन ये जो लूप की स्टेटमेंट्स हैं ये जितनी भी इंडेंट हुई हुई है यहाँ पे आप देख रहे हो ये सब रिपीट होंगी जब तक एक एक नेम लिस्ट में से पिक किया जाएगा एंड एंड में प्रिंट होगा गॉट इट. सो गॉट इट से पहले आपको देखना है कि लूप के अंदर क्या होगा ठीक है. सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आउटपुट क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं वी गो टर्न बाय टर्न एक एक स्टेप को हम करते हैं. तो सबसे पहला स्टेप है फॉर नेम इन. तो पहला नाम ले लेगा वो पहला नाम है जेएस. जेएस लिया फिर वो इस स्टेटमेंट पे आया. यहाँ पे क्या है प्रिंट नेम मतलब ये नाम प्रिंट हो जाना चाहिए. सो आप आउटपुट में क्या लिखोगे. सो आउटपुट में आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ. सो आउटपुट में ये क्या लिखेगा जेएस. सो ये एक लाइन पे प्रिंट हो जाएगा. सो एक लाइन पे आपका ये प्रिंट हो गया और उसके बाद अब हमें क्या करना है उसके बाद वी हैव टू सी व्हाट इज देयर ऑन द नेक्स्ट लाइन एंड वी हैव टू कीप चेकिंग इट बार बार जब तक हमारे पास फाइनल आंसर नहीं आ जाता मतलब जब तक सारे लूप की इटरेशंस पूरी नहीं हो जाती. सो वी हैव टू कीप डूइंग इट. सो हमारा ये रहा क्वेश्चन ओके. सो जेएस प्रिंट हो गया उसके बाद चेक हुआ इफ नेम 0 इज इक्वल टू टी. अब नेम में क्या है जेएस ठीक है. नेम स्क्वायर ब्रैकेट 0 का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट पोजीशन है नेम में वो कैरेक्टर आपको फेच करना है. सो जेएस में 0 पोजीशन पे क्या है जे. इज इट इक्वल टू टी नो इट इज नॉट इक्वल टू टी तो हम एल्स में जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा फिनिश्ड. सो नेक्स्ट लाइन पे क्योंकि प्रिंट है प्रिंट हमेशा नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करता है तो पहले प्रिंट हुआ था जेएस उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा फिनिश्ड. फिर वो लूप ऊपर जाएगा अब नेम में आ जाएगा राम्या प्रिंट राम्या राम्या प्रिंट हो जाएगा. फिर वो चेक करेगा नेम 0 पे क्या टी है नहीं है. नेम 0 पे तो आर है टी नहीं है सो कंडीशन इज फॉल्स. एल्स में आएंगे प्रिंट हो जाएगा फिनिश्ड. उसके बाद नेक्स्ट नेम आएगा तरुणा तरुणा प्रिंट हो जाएगा. फिर नेम 0 इज इक्वल टू टी यस नेम 0 पे टी है कंडीशन ट्रू है. ट्रू है तो क्या होगा ब्रेक और ब्रेक का मतलब है कि लूप आगे काम नहीं करेगा लूप वहीं पर ही टर्मिनेट हो जाएगा. सो लूप टर्मिनेट हो जाएगा हम बाहर आएंगे और प्रिंट होगा गॉट इट. सो इसका जो प्रॉपर आंसर आप लिखोगे दैट वुड बी जेएस एंड देन इट विल बी फिनिश्ड आई गेस एक्सक्लेमेशन मार्क था वहाँ पे. फिर है राम्या That is also finished, and then you had Taruna, and Taruna के बाद आएगा got it. So वो आप देख लोगे जैसा वहाँ पर लिखा exclamation mark and all आपको exactly वैसे ही लिखना है यहाँ पर. So we have finished exclamation mark and got it exclamation mark. So that would be the answer. JS finished, Ramya finished, Taruna got it. So ये 6 lines आपकी screen पर print होंगी that would be your output. ठीक है. सो आउटपुट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन 4. हाउ मेनी टाइम्स विल द फॉलोइंग फॉर लूप एग्जीक्यूट एंड व्हाट विल बी द आउटपुट. फॉर आई इन रेंज ये नेस्टेड लूप के क्वेश्चंस हैं दोनों लूप के अंदर लूप है
सो पहला जो लूप है वो है फॉर आई इन रेंज माइनस वन कॉमा सेवन कॉमा माइनस टू, मतलब माइनस वन से चलना शुरू करेगा और उसमें से माइनस टू होता जाएगा, ठीक है। सो माइनस वन माइनस टू करेंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस थ्री, माइनस थ्री में से माइनस टू करेंगे तो माइनस फाइव। तो ये लूप तो कभी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि आप तो नेगेटिव में जाते जा रहे हो और हमें जाना कहाँ है, पॉजिटिव की तरफ। तो आप यहाँ पे लिख दोगे द सिंस द आउटर लूप इज इनफाइनाइट, सो दिस विल कीप वर्किंग फॉर इनफाइनाइट टाइम्स। इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन हम नहीं दे सकते बिकॉज ये इनफाइनाइट है, बट स्टिल अगर आप दिखाना चाहते हो कि शुरू में क्या प्रिंट होने लगेगा, तो जैसे फॉर आई इन रेंज माइनस वन है, जे इन रेंज थ्री है, सो वो प्रिंट कर रहा है वन कॉमा जे, दैट मीन्स इट विल प्रिंट वन कॉमा जीरो। अगली बार जे वन हो जाएगा सो इट विल बी वन कॉमा वन, फिर जे टू हो जाएगा सो इट विल बी वन कॉमा टू। थ्री होने पे ये लूप खत्म होगा, ये फिर डिक्रीज होके माइनस थ्री हो जाएगा, ये फिर जीरो से शुरू होगा सो इट विल अगेन प्रिंट वन कॉमा जीरो, वन कॉमा वन, वन कॉमा टू। सो वन कॉमा जीरो दैट इज वन स्पेस जीरो, कॉमा तो हम प्रिंट में लिखते हैं, जब स्क्रीन पे प्रिंट होता है तो उसके बीच में स्पेस आता है। सो वन टैब जीरो, देन वन फिर से स्पेस वन, वन स्पेस टू, और वो चीज़ इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट होती रहेगी क्योंकि ये लूप कभी रुकेगा ही नहीं। आपको ख़त्म सेवन पे करना है पर आप जा नेगेटिव में रहे हो तो वो कभी कंडीशन मैच ही नहीं होगी, ठीक है। सो दिस वुड बी इनफाइनाइट। सेकेंड जो है फॉर आई इन रेंज वन कॉमा थ्री कॉमा वन, सो ये साफ पता चल रहा है वन से शुरू होगा और सिर्फ दो बार चलेगा क्योंकि अपर लिमिट पे तो जाते नहीं है, वन से इंक्रीज कर रहे हैं सो इट विल वर्क फॉर वन एंड इट विल वर्क फॉर टू। सो आई पहली बार वन होगा, हम अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेंगे, फिर आई टू होगा, हम फिर से अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेंगे। अब जब आई वन है तो हम यहाँ अंदर आ जाते हैं, यहाँ क्या लिखा है फॉर जे इन रेंज आई प्लस वन, दैट इज वन प्लस वन कितना हो गया टू। सो फॉर जे इन रेंज टू, मतलब लूप दो बार चलेगा, दो बार क्या करेगा, दो बार स्टार प्रिंट करेगा। सो प्रिंट स्टार लिखा है यहाँ पे, एंड इज इक्वल टू ब्लैंक नहीं लिखा, मतलब हर बार स्टार नेक्स्ट लाइन पे आएगा। सो एक स्टार आया, फिर नेक्स्ट लाइन पे एक और स्टार आया, फिर बाहर आ गए, अब आई इंक्रीज हो गया टू हो गया, जे इन रेंज टू प्लस वन दैट इज थ्री। अब ये लूप तीन बार चलेगा सो वो तीन बार और स्टार प्रिंट करेगा, तो इसका जो आउटपुट होगा दैट वुड बी फाइव टाइम्स स्टार। सो यू विल गेट स्टार स्टार बिकॉज ऑफ द फर्स्ट इटरेशन एंड यू विल गेट अगेन थ्री स्टार्स फॉर द सेकेंड इटरेशन। सो इसलिए आपका जो आउटपुट होगा वो होगा पांच स्टार्स ऑल ऑन सेपरेट लाइंस, ठीक है। सो ये इसका आउटपुट है और लूप पूछा गया है टोटल कितनी बार चल रहा है, तो आउटर लूप चल रहा है दो बार, अंदर वाला लूप पहली बार दो बार चलता है, उससे अगली बार तीन बार चलता है, सो इन टोटल इट विल वर्क फॉर फाइव टाइम्स ऑल टुगेदर, ठीक है। सो जो कोड है वो पांच बार चलेगा टोटल, और पांच बार हम क्या कर रहे थे, स्टार प्रिंट कर रहे थे, तो पांच स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हम देखते हैं कहाँ है, सो लेट मी ओपन दैट क्वेश्चन, यहाँ पे पूरा नहीं है बिकॉज इट्स जस्ट half of it, I need to get the complete question. So complete question हमारे पास इसमें है, ये रहा, so let me open it. Okay, so यहाँ पर है हमारे पास अपना अगला question, which is the loop in the code below infinite? How do you know for sure before you run it? How do we know before sure we run it? Okay. सो यहाँ पे m3 है n5 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल n लेस देन 10, यहाँ पे n somehow मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है, n somehow मॉडिफाई हो रहा है लूप के अंदर, तो इनफाइनाइट होना तो नहीं चाहिए, बट हम एक बार फिर भी करके देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है। सो m में 3 है, n में 5 है, ओके, वाइल n इज लेस देन 10, सो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि मेरे पास m और n की वैल्यूज क्या हैं, सो आई जस्ट मूव इट विद दिस साइड ताकि आपको दोनों चीज़ें साथ साथ दिखती रहें। सो m में 3 है, n में 5 है, वाइल n लेस देन 10, वाइल n लेस देन 10 इज ट्रू, 5 इज लेस देन 10 इट इज़ ट्रू, m चेंज हो जाएगा, m हो जाएगा n माइनस 1, मतलब n 5 था तो 5 माइनस 1 4, m की न्यू वैल्यू 4 हो गई। अब n कैलकुलेट हो रहा है, वो कैलकुलेट हो रहा है 2 इंटू n माइनस m, सो n कितना है, 5 है, 2
2 मल्टीप्लाइड बाय n, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 10, 10 माइनस 4 इज 6, तो n की न्यू वैल्यू हो गई 6. प्रिंट n कॉमा m, तो आउटपुट में 6 प्रिंट होगा और 4 प्रिंट होगा, जो n और m की वैल्यूज हैं. फिर वो ऊपर दोबारा जाएगा वाइल n लेस देन 10, सो हम चेक करेंगे n लेस देन 10, यस इट इज़ ट्रू, 6 इज लेस देन 10, इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू. तो अब m कितना हो जाएगा, n माइनस 1, मतलब m हो गया अब 5, तो n अब दोबारा कैलकुलेट होगा, सो दैट विल बी 2 इंटू 6, दैट इज 12, सो 2 इंटू 6 इज 12 माइनस 5, दैट इज 7, सो आपके पास 7 आ गया. एक तरह से वो एक बार में 1 से इंक्रीज कर रहा है, बट यू हैव टू कीप डूइंग इट एज द कोड इज देयर. सो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 और 5, n अभी भी लेस देन 10 है, ट्रू, फिर से m हो जाएगा 6 और n हो जाएगा 2 into n, that is 14, minus 6 which is 8, so हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे 8 and 6, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, n less than 10 which is true, n is true, m में आ जाएगा 7 और n में आ जाएगा 8 into 2, 16 minus 7 which is 9, and we're going to print that, so it will print 9 and 7. उसके बाद चेक किया n लेस देन 10, अभी भी ट्रू है, अभी भी ट्रू है, तो m में आ गया 8, 9 इंटू 2 इज 18, माइनस 8 इज 10, सो n इज 10. प्रिंट पहले हो रहा है, कंडीशन बाद में चेक हो रही है, इसलिए पहले वो एक बार प्रिंट कर देगा 10 और 8. प्रिंट करने के बाद वाइल पे जाएगा और चेक करेगा n लेस देन 10, सो इट इज़ फॉल्स एंड इट विल स्टॉप. तो आपके पास जो स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट होगा वो होगा ये. सो दिस इज द आउटपुट. सो लूप वर्क्ड फॉर हाउ मेनी टाइम्स, जितनी बार आउटपुट प्रिंट हुआ है दैट्स 5 बार. सो लूप 5 बार काम किया. और अगर आपसे अब पूछा जाता है कि बिना कोड को ऐसे स्टेप बाय स्टेप किए आप कैसे बता सकते हो इनफाइनाइट होगा या नहीं, सो बिकॉज जो वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहा है कंडीशन में उसको हम अंदर मॉडिफाई कर रहे हैं. सिंस वो अंदर मॉडिफाई हो रहा है तो कभी ना कभी तो कंडीशन जाके फॉल्स हो ही जाएगी. सो लुकिंग एट दैट वी कैन जज कि ये इनफाइनाइट लूप नहीं है. अगर आप n को यहाँ पे चेक कर रहे होते और n कहीं मॉडिफाई ही नहीं हो रहा होता या वो इंक्रीज नहीं हो रहा होता, डिक्रीज हो रहा होता, तो हम कहते कि वो इनफाइनाइट लूप में जा सकता है. ओके, सो दैट इज हाउ यू सॉल्व आउटपुट क्वेश्चंस. प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा कर सकते हो आउटपुट क्वेश्चंस की उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, बिकॉज ये बहुत स्कोरिंग है और काफ़ी लोगों को एंड तक इसमें कन्फ्यूजन रहती है. अब इसमें जो टाइप सी क्वेश्चंस हैं, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस एंड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, ये मैं एक एक प्रोग्राम करके अपलोड करते रहूँगी. बट नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे रिविजन टूर 2 की बैक एक्सरसाइज, और प्रोग्राम साथ साथ अपलोड होते रहेंगे तो आप वो देख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में प्रोग्राम एज सच लिखने के लिए नहीं आता है, वो आपको प्रैक्टिकल्स के लिए चाहिए होते हैं. एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आएगा वो ज़्यादातर यही होगा कि आउटपुट बताओ, एरर ढूंढो, या फॉर से लिखा हुआ है वाइल्स में करके दिखाओ, या वाइल्स से लिखा हुआ है फॉर में कन्वर्ट करके दिखाओ. सो यू गेट क्वेश्चंस लाइक दैट. सो प्रोग्राम्स इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, ये वाले आते हैं लेकिन वो फाइल हैंडलिंग वाले आएंगे या फिर स्टैक और क्यू वाला आएगा जो हम आगे जाके करेंगे. सो दैट इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा. इफ़ यस, डू क्लिक द लाइक बटन, डू शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आप वॉच करोगे और मुझसे इंटरेक्ट करोगे उतना ज़्यादा आई विल बी मोटिवेटेड टू प्रोवाइड कंटेंट टू यू, राइट? बिकॉज टीचिंग इज़ नॉट वन साइडेड. इफ़ आई एम टीचिंग यू हैव टू रिस्पॉन्ड बैक आंसरिंग माई क्वेश्चंस. जो मैं असाइनमेंट देती हूँ आप उसको सॉल्व करोगे, मेरे क्वेश्चंस का आंसर्स कमेंट्स में लिखोगे. सो व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग इट मोटिवेट्स द पर्सन हु इज टीचिंग यू, राइट? सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. डू शेयर, आई होप यू विल डू दैट, एंड सब्सक्राइब तो आप कर चुके होगे, बट इन एनी केस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. So do subscribe it right now. It's free and you will keep notifications whenever the new content is uploaded. That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning.